अस्सलामु अलैकुम ये गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ काफ़ी टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो ये मेरी वीडियो है जिस दिन हम स्कूटी लेने गए थे, मैंने स्कूटी ले ली है, तो ये उसी का व्लॉग है जब हम लेने गए थे और पसंद कर रहे थे कलर वगैरह सब कुछ। तो ये वहाँ का वीडियो है। तो हमें पसंद आया था डार्क मैट ब्लू, तो वो कलर ज़्यादा अच्छा था इसमें, तो हमने वही कलर लिया। बस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया प्रोसेस में और ये सब चीज़ें, क्योंकि इनके पास कलर भी अवेलेबल नहीं था, इन्होंने अरेंज करवाया था। फिर हमने पेमेंट करी और उसके बाद घर लेके आ गए स्कूटी। बच्चे भी साथ ही गए थे, खुशी की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से बच्चे भी साथ ही थे, तो ये सब वहीं थे। और फिर मैं तो इन्हें काफ़ी सारा काम करवाना था स्कूटी में, तो इस वजह से ये वहीं थे। थोड़ी तो देर लग जाती इसलिए मैं घर आ गई, और घर आके मुझे धोने थे कपड़े, छुट्टी थी मेरी तो मुझे भी कपड़े धोने होते हैं, तो इस वजह से मैंने कपड़े धो लिए। और शाम को हम गए खाना खाने पास ही के रेस्टोरेंट में, तो ये काफ़ी अच्छा और सबसे अच्छा और रीज़नेबल रेट का है, जो कि हम लोग यहाँ अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ हमने मंगाई थी चिकन कढ़ाई और फ्राई, ये दो चीज़ें मंगाई थी, और ये बटर नान मंगाए थे। तो हमने की थी पार्टी इसी खुशी में, और बस ये मैं नींबू निचोड़ के यहाँ खाना खाएंगे और मज़े करेंगे। और ये उसके बाद काफ़ी मैं थक चुकी थी, क्योंकि यहाँ आने के लिए भी मैंने यहाँ से वहाँ से हम बहुत टाइम लग गया था, 2-3 घंटे लग गए थे हमें वहाँ पर जहाँ हमने स्कूटी ले रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए, उसके बाद फिर यहाँ आए, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे घर पे थी दावत, मेरी सिस्टर्स आनी थी, वो काफ़ी टाइम से कह रही थी ऐसा नहीं कि स्कूटी के लिए आ रही हूँ, लेकिन स्कूटी लिए इसलिए, लेकिन वो काफ़ी टाइम से कह रही थी नेक्स्ट डे उन्हें आना था, तो बस वो आ गई थी। मैंने दोपहर में बनाया था ये कीमा एक, और शाम में भी फिर कुछ और मेहमान भी आए थे, तो फिर मैंने ये चिकन की बिरयानी टाइप पुलाव टाइप बनाया था, वैसे दम वाली नहीं बनाई थी, ये पुलाव टाइप बनाया था, तो ये और बनाए थे थोड़े ग्रेवी वाले कबाब, और ये सब चीज़ें बनाई थी हमने। और पूरा दिन नेक्स्ट डे भी ऐसे ही निकल गया था। ये मैं कबाब में ऊपर से मसाला डाल रही हूँ, चाट मसाला, और ऊपर से डाल दूँगी मेल्टेड बटर, तो ये बहुत ही मज़े के ग्रेवी वाले कबाब। अच्छा, ये जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ तो बस टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में। फिर हम सब सिस्टर्स ने और जो रह गए थे सब ने खाना खाया, और उसके बाद मुझे ये रिसीव हुआ था ये पार्सल, तो इसमें मैंने मॉइस्चराइजर, फेस वॉश और सनस्क्रीन मंगाई थी, ऑर्डर की थी ऑनलाइन, तो ये रिसीव हुआ था। तो ये छोटा सा मेरा ब्लॉग था इसका, अगर आप लोग मैं बाद में कर दूंगी, अभी बस बच्चे घर पर ही थे, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत जल्दी में खोल ली थी, मेरी सिस्टर से खुलवा रही थी, तो ये अच्छी थी, काफ़ी अच्छी है, मैंने यूज़ करी है। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।